कोई हिंदू घर में पैदा हो गया तो हिंदू है। माँ बाप ने एक आवरण उड़ा दिया। हिंदू घर में पैदा हो गया तो वेद पढ़ता है, गीता को पूजता है, और यही बच्चा जैन घर में पैदा होता तो इसे कभी फिक्र न रहती गीता की और वेद की, और यह कभी हिंदू मंदिर न जाता या जैन मंदिर गया होता। इसने महावीर को पूजा होता, इसके माँ बाप ने इसे दूसरे कपड़े उड़ा दिए होते। तुम जो अभी हो उधार हो, नगद नहीं, कृत्रिम हो। दूसरों ने तुम पर कुछ रंग दिया है, अभी तुमने अपना रंग नहीं जाना। तुम्हारे चेहरे पर दूसरों ने मुखौटे लगा दिए हैं और आईने के सामने खड़े होकर उन्हीं मुखौटों को देखकर तुम समझते हो या तुम्हारा चेहरा है या तुम्हारा चेहरा नहीं है। तुम्हारा चेहरा वही है जो तुम जन्म के साथ लेकर आए थे, जिसका कोई ना नाम था, ना जिसका कोई रूप, ना जो हिंदू था, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना बौद्ध, जो ना शूद्र था, ना ब्राह्मण, जो बस था वह था। वो रूप या वो अरूप अब भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। कितने ही कपड़े पहना दिए गए हो, तुम्हारा स्वभाव अब भी उन कपड़ों के भीतर मौजूद है। तुम अपनी नग्नता में अब भी हो। अगर जाग जाओ तो उसे जान लो जो तुम्हारी निजता है, मगर तुमने तादात्म्य कर लिया है। तुमने वस्त्र को जोर से पकड़ लिया है। तुम कहते हो यही वस्त्र मैं हूँ, और वही भूल हो गई, वही चूक हो गई है। तुमने अपने नाम को समझ लिया है कि यह मैं हूँ। नाम लेकर आए थे, कोई तो नाम लेकर आता नहीं है। तुमने अपनी भाषा को समझ लिया कि यह मैं हूँ। भाषा लेकर आए थे, कोई भाषा तो लेकर आता नहीं। ना कोई धर्म लेकर आता है, ना कोई देश लेकर आता है। ये सब बातें सिखा दी गई हैं, ये तुम्हें तोतों की तरह रटा दी गई हैं। तुम तोते बन गए हो और बड़े अकड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें वेद याद है, क्योंकि तुम्हें कुरान कंठस्थ है। तुम्हारी अकड़ तो देखो, और तुम्हें जरा भी होश नहीं है कि तुम जब आए थे ना कुरान थी तुम्हारे पास, ना वेद थे तुम्हारे पास। तुम थे एक कोरे कागज थे तुम। जब से तुम्हारा कागज कूद दिया गया है, तब से तुम समाज से जुड़ गए हो, तब से तुम अपने से टूट गए हो और भीड़ से जुड़ गए हो, तब से तुम भीड़ के हिस्से हो गए हो। तुम्हारी आत्मा खो गई है।